हमारे यहाँ कोई धर्म का काम ही नहीं है, सब एक एक ही है, सब मिलजुल के वोट करते हैं। अच्छा, कभी नहीं है, आप तक तो हुआ नहीं है। अदर पार्टी भी एक राजनीति करता है धर्म के ऊपर, वो राजनीति सबसे गलत है। और वोट देना है जो भाई भी किसी को वोट देना है वो काम के ऊपर वोट दे। तो वो इनको अली चाहिए और हमें बजरंग बली चाहिए, तो जो पब्लिक नाराजी थी उनसे। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं तुम्हें अली मुबारक हो, हमारे लिए तो बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के शहर में हूँ, फतेहपुर में, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह है मदनी मस्जिद के पास। काफ़ी संख्या में लोग हमें यहाँ मिले, तो ये चर्चा भी यहाँ के राजनीतिक समीकरण की भी कर लेते हैं, फतेहपुर के बारे में जान लेते हैं। चुनावी माहौल है, हर चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा है, तो लोगों का क्या मन है इस बार और किससे रुष्ट हैं, किसके पक्ष में मतदान करेंगे, वो सारी चीज़ें इन लोगों से जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार। अच्छा, यहीं के हो सब, आसपास में है, यही मोहल्ला है, फतेहपुर शहर में हो, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 7 और 18। 7 और 18 यहाँ है। सबसे पहले शायद फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य है, कितने कौन कौन से समाज के, अगर अंदाज हो पूरे विधानसभा क्षेत्र में कौन से समाज के ज्यादा वोट है, फिर कौन है? मुस्लिम, सबसे ज्यादा मुस्लिम, 50% मुस्लिम है। 50% मुस्लिम, हाँ, मतलब पूरी आबादी में आधे मुस्लिम है। अच्छा, उसके बाद दाटका है। अच्छा, विदेशी में आते हैं। अच्छा, फिर ब्राह्मण आते हैं। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य फतेहपुर विधानसभा को माना जा सकता है। तो वर्तमान में आपके विधायक हैं कांग्रेस से, पिछला जो चुनाव था काफ़ी नज़दीकी चुनाव रहा, शायद 800-850 वोट से चुनाव जीते थे। एक तरीके से कहा यह जा सकता है या माना जाता है कि मुस्लिम जो हैं, अल्पसंख्यक जो वोट है वो कांग्रेस का परम्परागत वोट है। आप 52% हैं, उसके बाद भी इतना नज़दीकी मुकाबला कैसे? तो उनका वो सारा एक तरफ हो गया ना। अच्छा, इधर आया नहीं और वोट, जैसे कांग्रेस को मिलते हैं, जाटों के वोट मिलते हैं, ये एससी के मिलते हैं, ये नहीं मिले ना इस बार। अच्छा, मतलब सारे जो अदर हैं वो सब एक जगह हो गए और बीजेपी की तरफ मुड़ गए थे, यही बात है। अच्छा, तो अब 5 साल का जो कार्यकाल है विधायक जी का, उसको किस तरीके से देखते हैं कि कितने काम? कार्यकाल बहुत तगड़ा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे इतना काम हुआ ही नहीं जितना इन्होंने किया है। अच्छा, आज तक के इतिहास में इतना काम नहीं हुआ। थोड़ा छोटा अगर बता दें कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि भाई आज़ादी के बाद से नहीं हुए? गली मोहल्ले में रोड नहीं थी, वो पूरी गली मोहल्ले में रोड गिरवा दी। अच्छा, और उसके बाद कॉलेज नहीं थी, वो कॉलेज यहाँ पर लेकर आए हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। और बस स्टैंड हमेशा पानी में डूबा रहा था, वो उसका काम किया उन्होंने, आज तक इतिहास में कभी हुआ ही नहीं काम। अच्छा जी, जल भराव की समस्या से निजात दिला दी, कॉलेज बना दी, दो काम ये बता रहे हैं, और कौन सा काम? लाइन का, सिविल लाइन का करा दिया, बच्चियों के लिए कॉलेज बना दी। अच्छा, बच्चियों के लिए भी? हाँ, अलग बस डिपू बना दिया, गार्डन बना दिया, बहुत बहुत काम किया विधायक जी। इतना काम तो आज तक हुआ ही नहीं है। तो इस बार इनके भाई जो 15 साल रहे हैं, उन्होंने नहीं किया इतना काम 15 साल में। जितना भाई ने नहीं किया उतना ये कर गया, 5 साल में कर, बहुत काम। तो इस बार मूड क्या है? इस बार मूड बिना का ही है, आगम जी का ही है। अच्छा जी, और लोगों से भी जान लेते हैं, क्या कुछ काम इन लोगों ने गिनवाए हैं कि ये विकास के काम हुए हैं? तो क्या लगता है कि इन विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा, या फिर जो आप मुस्लिम बाहुल्य हैं और आपके समाज से आते हैं इसलिए वोट? विकास के नाम पे कोई धर्मपात की बात नहीं है, हर कास्ट वोट देता है, मेघवाल का, राजपूत का, मौली का, बामन का, हर समाज वोट देता है। अच्छा, बिल्कुल समाज से भी वोट? बिल्कुल, अगेलीवर भी अनादर समाज के ज्यादा वोट आए। अच्छा, बिल्कुल आए सब, लेकिन वो और छोटे पार्टी है जैसे आम आदमी है, जैसे आबिद कॉमरेड, ये भी लेके गए ना मुस्लिम के वोट, जैसे उधर आ गए जाट के। अभी RLP है, वो भी अपना यहाँ पे माहौल तैयार करने में जुटी है। तो क्या लगता है कि इस बार जो अन्य पार्टियाँ भी यहाँ मैदान में हैं, इस बार का चुनावी समीकरण कैसा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पार्टी दो, ये BJP और कांग्रेस। अच्छा, इन दो में टक्कर रहेंगी, BJP और कांग्रेस में, दोनों में रहेगी। हर कास्ट का वोट कांग्रेस को आता है, हर माली समाज मान लो, बामन मान लो, बानिया मान लो, मेघवाल मान लो, जो भी है अनादर कौम, 36 कौम है, सबका वोट है कांग्रेस को। कारण क्या है भाई, आप क्यों वोट डाल रहे हैं आकम जी को, क्यों?
लोगों ही वो पसंद है बस, एक कांग्रेस जो पार्टी वो हर हर समाज जुड़ा हो हर पार्टी से, माली हो चाहे जाट हो, जाट भी कांग्रेस में है तो जाट देगा वोट, राजपूत है वो भी देगा, जो पार्टी बीजेपी वो बीजेपी को देगा। मैं एक बात करें, क्या कांग्रेस से हैं इसलिए वोट पड़ रहा है या फिर व्यक्ति विशेष भी कुछ है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो कांग्रेस है वो कांग्रेस दे, बीजेपी है वो बीजेपी को देगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सब शांतिपूर्ण है इधर, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है, मतलब धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं धर्म के नाम। अब युवा साथी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं फतेहपुर शेखावाटी से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई राजनीति ना तो धर्म के ऊपर है ना काम के ऊपर है, ना काम के ऊपर वोट मिलता है। और हकीम अली जी ने बहुत अच्छा काम कराया फतेहपुर शेखावाटी, गली गली में रोड हो गई, कॉलेजें खुलाई, हॉस्पिटलें खुलाई, काफ़ी अच्छा काम कर दिया। आज तक भी इतिहास के अंदर जो छत्तीसगढ़ में पानी भरा हुआ होता है इसका आज तक किसी ने काम नहीं कराया, हकीम अली जी ने काम करा दिया और बारिश आने पर इसका रिजल्ट भी आ गया। क्यों काम के ऊपर जो भी है, कोई धर्म से हो या कि नहीं कर रहा, काम के ऊपर वोट दीजिए। हम हर समाज साथ है, कांग्रेस में या नहीं है कोई साथ नहीं है, अदर पार्टी भी है, कोई राजनीति करता है धर्म के ऊपर वो राजनीति सबसे गलत है। और वोट देना है जो भाई भी किसी को वोट देना है वो काम के ऊपर वोट दे, काम देख के दे। आज कहीं भी आप गली गली में जाके देखते हो, हर गली में रोड है, पानी की सुविधा भी, हर गली में ट्यूबवेल है। मतलब जो 5 साल में जो इतिहास में जो काम हुआ वो बहुत अच्छा काम हुआ, आज तक कभी किसी ने काम नहीं कराया। भाई एक बात इस धर्म वाली बात से दिमाग में आ गई कि आपके यहाँ अली और बल्ली का भी काफी चर्चा रहा था। कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ एक मुद्दा था, वो कॉलेज में था, और कुछ मुद्दा नहीं है। क्या था ये अली बल्ली क्या था? योगी जी आए थे यहाँ चमड़िया कॉलेज में, अच्छा, तो उन्होंने ये नारा लगवाया था यहाँ पर, और हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। क्या क्या नारा लगा था? तो वो इनको अली चाहिए और हमें बजरंग बली चाहिए, तो जो पब्लिक नाराजी थी उनसे। मुझे जितना ध्यान है अभी कुछ दिनों पहले शायद हकीम अली खान हैं वो पैदल यात्रा करके सालासर गए, वो उनका पर्सनल मैटर है। उसके बाद में दूसरे दिन हकीम का मीटिंग था इसके पास में, हकीम का क्या जवाब था मालूम? अली और बजरंग दोनों चाहिए हमको। अच्छा, हमको दोनों चाहिए, अली भी चाहिए बजरंग भी चाहिए। भाई एक ये अली और बली का जो यहाँ नारा एक चला था उसके पीछे ये था कि योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी यहाँ फतेहपुर आए थे और उन्होंने कहा था कि इनको अली चाहिए हमें बजरंग बली चाहिए, ऐसा कुछ नारा चला था। और उसके जवाब में हकीम जी का क्या जवाब था? अली और बजरंग दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। तो क्या दोनों हैं साथ? बिल्कुल दिए है ना वोट, मेघबाल समाज, जाट समाज, माली समाज, सोनी, बामन, बाणिया सब दिया है, टोटल वोट दिया है। तो इस बार क्या लगता है क्या रहने वाला? एक कहो दिल से हकीम अली फिर से एक बार फिर से राजनीति में आएंगे और अच्छा यहाँ से जीतेंगे, यह कहते हैं। क्योंकि काम के ऊपर वोट मिलेगा ना, ऐसा नहीं है कि किसी के अदर से धर्म के ना तो धर्म के वो खिलाफ बोलते हैं ना कुछ है। काम के ऊपर वोट मिलता है और काम के खिलाफ ही वोट मिलेगा अच्छा, और अच्छा काम किया जब तो वोट मिलेगा ना, इसलिए। हमारे यहाँ कोई धर्म का काम ही नहीं है, सब एक एक ही है, सब मिलजुल के वोट करते हैं। अच्छा, कभी नहीं है, आज तक तो हुआ नहीं है, सब मिलजुल के करते तभी काम होता है, नहीं तो अकेले में तो होता ही नहीं। एक कौम से कोई भी नहीं जीत सकता है, एक कौम से कौन जीतता है? अरे दोस्तों बात करें तो जिस तरीके से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ से वर्तमान में जो हकीम अली खान कांग्रेस से विधायक हैं, लोगों का कहना ये है कि जाति धर्म यहाँ पे कोई मायने नहीं रखते। इनका मानना ये है कि हकीम जी ने विकास कार्य किए हैं और उन विकास के मुद्दों पर शायद इस बार आप वोट डालने वाले हैं।